Good morning children and uh, welcome back to our YouTube channel with Yashram Public School. This is the video for class 6 and in this video we'll discuss on topic nouns case. This is the unit 12 of class 6 standard. Let's read out the sentences first. Mohan married Kamla. The cat killed the Mohan he bought a silver watch the ring was lost by sita in these sentences mohan the cat he the ring are the subject of the verb married killed bought and was lost these are the verbs and these are the subject of these this verbs so

जो कि सब्जेक्ट है वर्ब का वो कहलाएगा नॉमिनेटिव केस नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव केस व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव केस लेट्स रीड आउट द सेंटेंसेस फर्स्ट द मैन हैथ द डॉग ही लव्स हर जॉर्ज पेंट्स अ पिक्चर इन दिस दी सेंटेंसेस डॉग हर पिक्चर दीज आर ऑब्जेक्ट of the verb hit loves and paints so if we'll talk about the object it will be considered as a objective case and if we'll talk about the subject it will be considered as a nominative case any noun or pronoun that stand as the object of a verb is said to be in the objective case. This we have dis discussed just now. Uh, now let's come to the next case. The book is on the table. The snake was seen by her. In the first sentence, the noun is table. And the object is here on on is a preposition of this okay so noun table is the object of preposition on so the noun is a table which is the object of this preposition it is therefore said to be the objective case a noun or a pronoun that comes after a preposition is said to be the governed by the preposition and is called its object यदि कोई नाउन या प्रोनाउन प्रपोजिशन के बाद में आ रहा है तो वो प्रपोजिशन को प्रपोजिशन से गवर्न करता है और इसीलिए उसको उसका ऑब्जेक्ट कहा जाता है सच अ नाउन और अ प्रोनाउन इज सेट टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस इस तरह के नाउन्स और प्रोनाउन्स भी ऑब्जेक्टिव केस में ही आते हैं एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ बोथ वर्ब्स एंड प्रपोजिशंस आर इन द ऑब्जेक्टिव केस इस टाइम पे इनके दोनों के जो वर्ब्स और प्रपोजिशन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे और नेक्स्ट इज पॉजिटिव केस लेट्स रीड आउट द सेंटेंसेस फर्स्ट द डॉक द बॉयज लेग मोहन फाउंड अशोक पेन एंड लॉस्ट हर मदर्स रिंग दिस इज हिज पेन इन दर्ब ऑफ सेंटेंसेस बॉयज अशोक मदर्स एंड हैज़ आर द पजिसिव केस बिकॉज दे ईच डोनेट्स द प्रोसे प्रोसेसर और ओनर ऑफ एनी थिंग इनसे हमें किसी के किसी भी चीज़ का पता लग रहा है कि वो चीज़ किसकी है लाइक द डॉग बाइ द बॉयज लेग किसका लेग उसने काटा बॉय का लड़के का लेग इसी तरह से मोहन फाउंड अशोक्स पेन किसका पेन अशोक का पेन तो जब हमें किसी के पोजीशन का शो होता है किसी की ओनरशिप शो होती है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव केस अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट डिनोट्स अ पोजिशन और ओनर ऑफ एनी थिंग इज सेट टू बी इन द पॉजिटिव केस नाउ हाउ टू फॉर्म द पॉजिटिव लेट्स रीड आउट The girl's father is ill. The farmer's cow was stolen. The horse's leg was broken. And this, we have, हमको पता लग रहा है कि गर्ल का के फादर जो हैं वो बीमार हैं फार्मर की गाय चोरी हुई है हॉर्स का लेग ब्रोक हुआ है तो इन सब में हमें पोजीशन का पता लग रहा है कि किसकी पोजीशन है इन द अब ऑफ सेंटेंसेज द नाउन इन द पॉजिटिव केस आर इन अ सिंगुलर नंबर सो वी सी दैट द पॉजिटिव केस ऑफ अ सिंगुलर नंबर इज फॉर्म बाय एडिंग एज अपोस्टॉफी एंड एस टू इट जब भी हम सिंगुलर नाउन की बात करेंगे जब भी हम सिंगुलर ओनर की बात करेंगे तो हमेशा हमें अपोस्टॉफी प्लस एस लगाना होता है Now, come to the next sentences. Many girls' books are lost. All these horses' tails are, break, are black. The farmers' crops failed this year. In the above sentences, noun in the possessive case are in the plural number. In the first nouns hain, wo plural. So, the plural nouns themselves ends in S. जो कि प्लूरल नाउन होते हैं वो हमेशा एस से ख़त्म होते हैं तो ऑल सच प्लूरल नाउन्स आर एज एंड एन एस फॉर्म देअ पॉजिटिव केस बाय टेकिंग ओनली एन अपोस्ट्रॉफी आफ्टर देम। जब हम प्लूरल नाउन्स की बात करेंगे तो हम उसके लास्ट में अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे दे डू नॉट टेक अनादर एस उसके बाद हमें दूसरा एस लगाने की ज़रूरत नहीं है लाइक गर्ल्स गर्ल्स इज़ अ प्लूरल अब इसके बाद हमें पॉस्ट एस लिखने की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट सेंटेंसेस जो हैं हमारे उनमें हमारे जो प्लूरल वर्ड्स हैं वो एस से फिनिश नहीं हो रहे हैं इन द अब सेंटेंसेस द नाउन इन द पजिसेव केस आर इन द प्लूरल नंबर बट दे डू नॉट एंड इन

Let's see. When the noun denotes some living thing, as a rat's tail, the man's hand. When the noun denotes some person, personified things, duties call, England's heroes. When the noun denotes time, space, or weight, as a day's march, a week's holiday, in a year's time. A meter's length?